नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल से हमारी रानी खाना नहीं खा रही है, बहुत परेशान है और चिल्लाती घूमती रहती है। हम लोगों के पास आएगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, फिर डिब्बे के अंदर जाती है, डिब्बे के अंदर चिल्लाती है और पता नहीं गुस्सा करती है कि क्या है, तो डिब्बा फाड़ रही है और खाना बिल्कुल नहीं खा रही है। कल से बहुत परेशान है दोस्तों, आज पूरी रात नहीं सोई है और ना हम लोग सो पाए हैं। हम लोगों के पास जा रही थी, चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, फिर डिब्बे में आ रही थी, अपने जिस डिब्बे में बच्चे दिए थे उसमें चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। दोस्तों बहुत परेशान है, ना खेल रही है और ना खाना खा रही है। सुबह ज़रा सा दूध पिया था, सुबह जितनी टाइम से बच्चा उसका ख़त्म हुआ और देख लिया कि आवाज़ नहीं कर रहा है और पता नहीं क्या हो गया। तो इतनी टाइम से बिल्कुल नहीं खाना खाती है, पता नहीं उसको पता चल गया है कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है। दोस्तों कल दोपहर तक तो ज़्यादा परेशान नहीं की थी, खाना वाना ही खा रही थी, चुपचाप बैठी थी। दोपहर के बाद से इतना परेशान की थी, बहुत चिल्ला रही थी, अभी भी चिल्लाते चिल्लाते गेट की तरफ चली गई है, बहुत परेशान है। दोस्तों खाना देते हैं और हम लोग खाते हैं, वो नहीं खाती है, चुपचाप बैठी रहती है, तो बड़ा बुरा लगता है। बताओ, खाना देते देर नहीं लगती थी, तुरंत खाने लगती थी। सुबह 4 बजे उठती थी, पहले खाना चाहिए, और आज उठ के चुपचाप बैठ गई थी आंगन में, बिल्कुल नहीं खाना मांगी थी। बड़ा परेशान है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, खेलती भी नहीं है, ना आगे पीछे घूम रही है, तो बड़ा ख़राब लगता है। दोस्तों यहाँ पर साहिल पढ़ाई कर रहा है। साहिल नमस्ते तो कर लो। नमस्ते। साहिल पढ़ाई कर रहा है, रानी खेल नहीं रही है, तो साहिल को भी नहीं अच्छा लग रहा है। बोल रहा मम्मी, 2 दिन बच्चा च्यूं च्यूं करता रहा, तो बड़ा सोना सोना लग रहा है डिब्बे में, और रानी खेल नहीं रही है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बड़ा सोना सोना लग रहा है, दिन भर च्यूं 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 करता रहता था, बड़ा ख़राब लगता है। ये आ गई, कहाँ से आया है, कहाँ गया था, कहाँ गया था, खाना नहीं खा रही हो, यानी खाना खा लो, चलो दूध उठें, दूध पियोगी? ना दूध पीना है, ना दाने खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, बस मेरा बच्चा चाहिए। दोस्तों बड़ा ख़राब लगता है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है जानवर को ऐसे तड़पते हुए, बच्चे के लिए बड़ा ख़राब लग रहा है। उस जगह खुद भी बैठ ऐसा कह रही है, जैसे हमारी औलाद है वैसे जानवर की भी होती है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सबकी अपनी औलाद प्यारी होती है। दोस्तों समझ में नहीं आया क्या हो गया है, ठंड लग गई थी कि क्या हो गया था। सुबह 5:30 बजे बिट्टू के पास, 4 बजे मैं उठी तो अच्छा खासा लेटा था, बोल रहा था और ये भी दूध पिला रही थी। 5:30 बजे बिट्टू के पापा उठे, वो भी देखे थे, सो रहा था तो अच्छे से उड़ाए थे, और मैं खाना बना रही थी, बिट्टू के पापा नाश्ता कर रहे थे, तो साहिल उठ के आया, उसको लगा कि जा रहा हूँ बच्ची को लेके, अपने साथ लेटा लूँगा, स्कूल नहीं जाना है, जल्दी उठना नहीं है तो अपने साथ लेटा लूँगा। चिढ़ाता रहता था ना इसको कि अपने साथ लेटा लूँगा, ले भी लेता था, नहीं दूँगा तुम्हारा बच्चा, तो ये बहुत चिल्लाती थी। वो गया उठाने तो हिल डुल नहीं रहा था, उठा के लाया, कहता मम्मी ये तो बिल्कुल भी नहीं आवाज़ कर रहा है, रानी का बहुआ पता नहीं कैसी मुंडी कर रहा है। दोस्तों देखा तो ख़त्म हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, अच्छा खासा था, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, लेट गई, बैठी हूँ ना तो लेट के सो गई।
दोस्तों पूरी रात सोई नहीं थी, मैं भी नहीं सो पाई थी ज़्यादा। बिट्टू के पापा भी परेशान हो रहे थे, साहिल तो सुबह ड्यूटी जाना, मैं कहा आप सोइए, जोर से चिल्ला रही थी, बाहर आवाज़ जा रही थी, तो आप लोग जानते तो कि बिल्ली बोलती है तो लोगों को ये लगता है आप सोगन हो रहा है, तो बड़ा ख़राब लग रहा था, चुप करा रही थी। तो दोस्तों सुबह उठ के सारा काम की, पीछे पीछे चिल्लाती घूमती रही थी, साहिल कल से स्कूल नहीं गया है तो थोड़ा सा देख लेता है, बैठ रहा रहता है तो पास में बैठ के सो जाती है, अंदर कमरे में थोड़ी धूप धूप रहती है वहीं बैठ पढ़ता रहता है तो वहीं सोती रही थी। तो दोस्तों पूरी रात सोई नहीं थी, खाना खा के दोपहर में लेट गई थी, मेरे साथ लेट के सो गई थी। मैं 5 बजे उठी हूँ तो 5 बजे उठी है, बस फिर से चिल्लाना शुरू, अब बैठी हूँ तो लेट के सोई जा रही। इसको ये लगता है कि मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के जाओ ना कहीं, पता नहीं इसको अकेले में अच्छा नहीं लगता है कि क्या है। तो दोस्तों 2 दिन से पानी नहीं आया था, आज पानी आया है तो मैंने रबड़ लगा दिया है, टब भर गए, जा रही हूँ ड्रम में डाल दूँ क्योंकि ड्रम में पानी नहीं चाहता है रबड़ से। दोस्तों मैंने चाय रख दी है पकने के लिए और यहाँ पर रख दिया दाल पकने के लिए राइस की। 3-4 दिन से सब्जी बना रही हूँ, दोनों टाइम सब्जी बना रही हूँ, तो आज मैं पुलाव राहर की दाल बना ले रही हूँ। रानी नहीं खाना खाती है ना हमारी, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप बैठी मुँह की तरफ देखती रहती है। दोस्तों जिस डिब्बे में बच्चे दी थी उस डिब्बे में जा के बहुत चिल्लाती है और फाड़ती है, अंदर जाती है चिल्लाती है, ऊपर बैठ जाती है और दबती भी फाड़ती है। तो इसको आज हटाए दे रही हूँ यहाँ से, हो सकता है इसको हटाने से थोड़ी कम चिल्लाए, और ज़्यादा चिल्लाएगी जो तो फिर से रखना पड़ेगा। तो बिट्टू के पापा कह रहे थे हम लोगों को भी ख़राब लगता है यार, सोना सोना डब्बा लग रहा है तो इसको हटा देना। इसको हटा दूँगी, कपड़े कल धुल दिए थे, लेटी हुई है यहाँ पे, आवाज़ सुन रही है ना तो लेटे चुपचाप देख रही है, पर खाना नहीं खा रही। रानी, ए रानी, रानी दूध पीना। दोस्तों सुबह चाय बनाओ तो दूध चाहिए, शाम की चाय बनाओ तो दूध चाहिए, लेकिन कल से कोई मतलब नहीं, चाहे चाय पियो चाहे दूध पियो चाहे खाना खाओ, कोई मतलब नहीं है, ना दूध मांगती है ना खाना मांगती है। चाय चाय छान लूँ, चाय पियोगे? आ जाओ, आ जाओ, रानी के लिए भी मैंने दूध गर्मा लिया है शायद पिए। दोस्तों जा रही हूँ चाय पियूँगी और रानी को भी दूध दूंगी जो पिएगी। दोस्तों मम्मी पिला रही रानी को दूध। चलो आ जाओ, देखो कैसे नहीं उठ रही, देख देख कहाँ को भाग रही, पियो पियो पीलो, लो क्या करेंगे इसको यार, ना खाना खा रही है ना दूध पी रही है ना खेल रही है, पता नहीं चुपचाप दुकान से खरीद के लाना पड़ेगा एक बच्चा। दोस्तों ऐसे ही बैठी रहती है कल से चुपचाप, या तो गेट के पास जाके बैठ जाएगी या तो यहाँ बैठ जाएगी, बड़ा परेशान है, क्या करें इसको, कैसे सही होगी समझ में नहीं आ रहा है।
दोस्तों ये देखिए कैसे डब्बे में घुस के चिल्ला रही है। हाँ खाना खा ले, खा ले खाना। क्या हो गया? आजा बाहर, आजा आप 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 बाहर आ। नहीं बहू आजा। दोस्तों ये देखिए कैसे फाड़ दिया इसको, अंदर देखो मेरे टुकड़े कितने पड़े हैं। वो देखिए दोस्तों करती है कि क्या है, नहीं है उसमें, नहीं है कुछ भी, हटो। अरे पूरा पिचका दिया। हाँ नहीं नहीं हटो, इसको उठा के रख दूँ शायद चिल्लाना कम कर। चलो हटो हटो, चलो वही वाले कमरे में रख दे। टेप से चिपका दो, टेप ले आओ, टेप ले आओ। नहीं रानी, रानी नहीं उसमें कुछ नहीं है नानी, लग रहा परेशान करेगी। देखो चढ़ गई, देख रानी नहीं है उसमें कुछ भी, खाली है। उतरो, अंदर चलिए रानी। आए आ जा। देखिए दोस्तों कितना फुथड़ा है, गुस्से की वजह से करती है कि क्या है। आ जा, देखते हैं रख के, शांत रहेगी तो रखा रहेगा, नहीं चिल्लाएगी ज़्यादा तो फिर उठा के रख देंगे यहीं पे। थोड़ा सा चिपका दो, अंदर गंदा नहीं होगा, अभी समय आएगा तो फिर से ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों परेशान हैं कि कहाँ लेके डिब्बा को जा रहे हैं, बंद करे दे रहे हैं। देखिए रानी क्या हो गया। चल दोस्तों रानी का घर जा रहा है। कितना खुश होके रखे थे बच्चा, रानी कैसे में लेटेगा, रानी लेटेगी। कभी नहीं सोच सकता कोई को ऊपर वाला कब क्या कर दे, समय का कोई भरोसा नहीं। टाड़ पे रखना पड़ेगा सारे। और बोतल हटा देना, ऐसे कर रख ऐसे। रानी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, दरवाजा ना खुला छोड़ना, नहीं तो गिरा देगी ऊपर से। आ जा दोस्तों, मैं यहाँ पे पका रहा हूँ दूध, यहाँ दूध पक भी चुका है और मम्मी यहाँ धुल रही है बर्तन, सब्जी धुल लिया है। और अभी भी रानी यहाँ पे गुमसुम बैठी हुई है, खाना नहीं खा रही। मम्मी जल्दी से ये बर्तन धुल लो, फिर दोनों लोग बैठ के खाना खाएंगे और रानी को जबरदस्ती मुंह खोल के खिलाएंगे खाना। पैसे खिलाएंगे जबरदस्ती, तो खाएंगे पैसे खिलाएंगे। हाँ बड़ी बूढ़ी हो गई, दांत काट लेगी, जबरदस्ती कैसे खिलाएंगे। जबरदस्ती ऐसे खाना मुंह में रख देंगे, डंडे से घुसेड़ देंगे। हाँ खिलाना तो पड़ेगा मम्मी। इसको वो वाली दवा दे देंगे क्या, भूख वाली, भूख वाली दवा। हाँ नहीं उबल रहा था। लो इसे घाड़े वहां पर रख दो, सुबह उबाल लेंगे। चाकू किचन में उठा नहीं पाऊंगा एक हाथ से।
लग रहा है गांव की जैसे उठाना पड़ेगा कमर में रख के। और क्या है इसे ठीक है। सारे सिंघाड़े मैं खा डाल रहा हूँ, फिर मम्मी ढूंढेंगी अल्ले सिंघाड़े कहाँ गए। और क्या, अरे पेट फूल फट जाएगा मेरा। अरे थोड़ी बड़ाई थोड़ी बड़ाई कर रहा था। हाँ दोस्तों मिलते हैं सीधे खाना खाने के बाद। आए आप लोग भी खाना खाइए, मैं जा रही हूँ खाना खा लूँ, मिलते हैं। हनी देखिए दोस्तों कैसे बैठी है चुपचाप, खाना लिया है बिल्कुल नहीं खा रही है। लेकिन खुशी इस बात की है जिंदगी में पहली बार साथ खा रही है। ए खाना खा लो, नानी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना नहीं खाना तो निकलना मुमकिन होगा। वो जानता है ये खेल मैं कैसे खेलूंगा, क्योंकि तेरे दोनों भाई मेरा तरीका अच्छे से जानते हैं, मेरी सोच मेरा कैलकुलेशन। दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद क्योंकि पापा टीवी देख रहे हैं और साहिल टीवी देखता रहा है लेटे लेटे और सिंघाड़े खाता रहा है, सो गया खाते खाते सिंघाड़े। और इसको जगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से जगता है। बहुत मच्छर, इतने मच्छर परेशान किए कि कुछ कहने को नहीं। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ मच्छरदानी लगाने, मच्छरदानी लगा दूँ, साहिल को जगह के यहाँ लेटा दूँ, बिट्टू के पापा को दूध दे दूँ, उसके बाद फिर मैं लेटूँगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।